हेलो स्टूडेंट्स, तो आज मैं आपके सामने में एक चैप्टर लेकर के आ रहा हूँ। उसका नाम है आत्मविश्वास। तो एक्चुअली में ये चैप्टर चैप्टर नंबर 22 है, पंजाब बोर्ड में पढ़ने वाले बच्चों की किताब से, उनकी 5th क्लास की किताब है, हिंदी की किताब उसमें से। लेकिन ये चैप्टर आत्मविश्वास सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए नहीं है, या सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए नहीं है जो कि पंजाब में 5th क्लास में पढ़ रहे हैं। ये सारे स्टूडेंट्स के लिए है, सब लोगों के लिए है, क्योंकि सब लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत होती है। आप जब भी कोई बड़ा काम करते हैं तो आपके अंदर में आत्मविश्वास होना बहुत ज़रूरी है। आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो इसमें हम लोग यही जानेंगे, यही समझेंगे कि आखिर आत्मविश्वास क्या चीज़ है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है। और अगर हम किसी बड़े लक्ष्य के लिए तैयारी कर रहे हैं, किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी बड़े मुकाम पर, किसी बड़े मंजिल पर जाना चाहते हैं, तो आत्मविश्वास इसमें हमारे लिए क्या कर सकता है, कैसे फ़ायदा पहुंचा सकता है। तो यहाँ आप देखोगे कि ये जो पहली लाइन लिखी है, अपनी शक्ति एवं योग्यता पर विश्वास ही आत्मविश्वास कहलाता है। तो बिल्कुल सही बात लिखी है लेखक महोदय जी ने कि अपनी शक्ति और योग्यता पर विश्वास ही आत्मविश्वास कहलाता है। अगर आप अपनी शक्ति पर, अपनी पावर पर, स्ट्रेंथ पर खुद भरोसा नहीं करोगे, है ना, आप अपनी एबिलिटीज़ पर खुद ही भरोसा नहीं करोगे, तो दुनिया आपके ऊपर भरोसा नहीं करेगी। और अगर आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं है, अपनी शक्ति और योग्यता पर विश्वास नहीं है, तो आप जो स्टेप्स आगे की तरफ रखेंगे, जो कदम आगे बढ़ाएंगे, उसमें झिझक हो सकती है। वो कदम सॉलिड कदम नहीं होंगे, आप फिसल सकते हो, आप गिर सकते हो। तो मजबूती के साथ और अच्छे से कदम आगे बढ़ाने के लिए आपके अंदर में आत्मविश्वास बेहद ज़रूरी चीज़ है। लेखक कहते हैं कि यही सफलता का मूल मंत्र है, यही वह कुंजी है जिसके सहारे व्यक्ति तमाम कठिनाइयों का सामना करता हुआ मंजिल तक पहुंच जाता है। कुंजी, आप समझ रहे हो ना, की। तो अगर आपको अपनी मंजिल तक पहुंचना है तो आपके अंदर में सेल्फ कॉन्फिडेंस जरूर होना चाहिए। अगर आपके अंदर में सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं, तो आप अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे। जीवन चलते रहने का नाम है, अतः जिंदगी में निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। आपको जीवन में ऐसे लोग भी मिलेंगे जो आपके मार्ग में रुकावट खड़ी करेंगे। मार्ग का मतलब है आपका सफर, आपका रास्ता, है ना। रुकावट का मतलब है जो भी प्रॉब्लम्स हैं, ऑब्स्टेकल्स हैं, वो सारी चीज़ें। तो जब आप जीवन में आगे बढ़ते हैं तो कई सारे लोग आपका साथ भी देते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो आपकी राह में, आपकी रास्ते में दिक्कत पैदा करते हैं, आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। दे मे बी जेलस पर्सन्स, है ना। जो आपके दोस्त होंगे, जो आपके शुभचिंतक होंगे, वो आपकी मदद करेंगे, आपका हाथ मजबूत करेंगे, आपको चलने में सही राह दिखाएंगे, कुछ गाइडेंस दे सकते हैं। लेकिन जो ईर्ष्यालु लोग होंगे, वे आपके लिए, आपके रास्ते में रुकावट खड़ी करेंगे। ये बात होती है। आप बिना किसी डर के आत्मविश्वास के सहारे उन रुकावटों को पार करते जाइए, यही साहसी मनुष्य की सबसे बड़ी पहचान है। साहसी मनुष्य का मतलब है वो मनुष्य जिसके अंदर में करेज है ना, जो डरता नहीं है। जिंदगी में कई बार ऐसा भी होता है कि आपने बहुत मेहनत एवं निष्ठा से काम किया, किंतु फिर भी आपको सफलता नहीं मिली। तो ये एक सोचने की बात है कि भाई आपने बहुत मेहनत की, बहुत हार्ड लेबर के साथ में काम किया, डिवोशन के साथ में काम किया, फिर भी यू डिड नॉट गेट सक्सेस। तो ऐसा क्या हुआ कि आपको सफलता नहीं मिली? ऐसे में आपको घबराना नहीं चाहिए। तो अगर सफलता नहीं मिली, आपने बहुत ही मेहनत से काम किया, बहुत ही निष्ठा से काम किया, और फिर भी आपको सफलता नहीं मिली, और हम कहते हैं या लेखक कहते हैं कि आपको घबराना नहीं चाहिए, तो घबराना नहीं चाहिए तो क्या करना चाहिए? आपको पता लगाना चाहिए कि आपकी तैयारी में क्या कमी रह गई, है ना, कहाँ पे दिक्कत रह गई, कहाँ पर कमी रह गई। मान लीजिए कि आपने स्कूल में किसी कविता, गीत, पेंटिंग, नृत्य या खेल प्रतियोगिता में भाग लिया। प्रतियोगिता आप समझ रहे हो ना, कंपिटिशंस।
तो आपने कंपटीशंस में पार्टिसिपेट किया, प्रतियोगिता में और भी पार्टिसिपेंट्स थे, और भी विद्यार्थियों ने भाग लिया। अब भाई बात रेस है, कंपटीशन है, तो फर्स्ट पोजीशन तो किसी एक को ही मिलना है ना। सब लोगों को तो फर्स्ट पोजीशन मिलेगी नहीं, कोई फर्स्ट पोजीशन पर आएगा, कोई सेकंड पोजीशन पर आएगा, कोई हो सकता है थर्ड पोजीशन पे आए, फोर्थ पोजीशन पर आए, कोई बंदा ऐसा भी हो सकता है जो रेस पूरा ही ना कर पाए। तो अगर आप फर्स्ट पोजीशन नहीं सिक्योर कर पाते तो यहाँ पर निराश नहीं होना है ना, अगली बार के लिए तैयारी करनी है। यही वह समय होता है कि जब हमें सोचना चाहिए कि हमसे क्या गलती हो गई। ये बात मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले आपसे कही थी ना, कि जब हमारा रिजल्ट आता है और हमें वो सफलता नहीं मिलती, वो सक्सेस नहीं मिलती जो हमने सोच रखा है, जिसकी उम्मीद लगा रखी हो, तो हमें ये सोचना चाहिए कि व्हाट वाज द फॉल्ट, क्या मिस्टेक रह गया, तैयारी में क्या कमी रह गई। अगर किसी दूसरे को सफलता मिली है, वो मुझसे आगे निकल गया है, तो उसने मुझसे ज़्यादा क्या मेहनत की, वो मुझसे किस फील्ड में आगे है, उसने क्या-क्या चीज़ें की और उसमें से कौन सी चीज़ें मैंने नहीं की, उसकी स्ट्रेंथ क्या है। और हमें ये भी सोचना चाहिए कि हमारी स्ट्रेंथ, वो सारी स्ट्रेंथ्स हैं या नहीं हैं, या हमारे अंदर में कुछ वीकनेस हैं। तो हमें पुनः अगेन उस कार्य को करने से पहले करने में पहले से भी अधिक शक्ति के साथ में कमर कस लेनी चाहिए। तो ये हो गई ना बात, ये निकल गया एक रास्ता कि अगर हम लोग कभी किसी कंपटीशन में, किसी एग्जाम में, किसी रेस में हमें अपेक्षित सफलता नहीं मिलती, वो सक्सेस नहीं मिलती जो हम चाहते हैं, जिसकी कोशिश करते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात कि हमें ये पता लगाना चाहिए कि हमारी तैयारी में, हमारे प्रिपरेशन में क्या कमी रह गई है ना, और हमारे अंदर में अभी भी कौन कौन सी वीकनेस है जिसे हमें स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है। और तीसरी बात कि हम फिर से उसकी तैयारी करेंगे, पहले से ज़्यादा जोश, ज़्यादा मेहनत के साथ में करेंगे, और अब की बार हमारी प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए। हमारा, हमारे ऊपर में विश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस पहले से बेहतर होनी चाहिए। अब की बार हमारे पास में एक बार का अनुभव भी है ना। अब आप ये एग्जाम या ये कंपटीशन पहली बार फेस नहीं करने जा रहे हैं, दूसरी बार करने जा रहे हैं, तो आपके पास में काफ़ी सारा नो हाउ है, काफ़ी सारा आइडिया है कि आखिर ये रेस कैसे पार्टिसिपेट करते हैं और कैसे हम जीत सकते हैं। अब देखते हैं कि लेखक बताते हैं कि दुनिया में तीन तरह के लोग होते हैं। तो भाई आखिर ये तीन तरह के लोग होते कैसे हैं? ये दिखने में अलग अलग होते हैं, पढ़ने में अलग अलग होते हैं, या इनका व्यवहार, इनका एटीट्यूड, इनका लाइफ स्टाइल अलग अलग होता है। तो ज़रूर इसमें बातें होंगी लोगों के बारे में कि जो किसी काम के लिए मिशन में लगे तो हैं, करना तो चाहते हैं, लेकिन कैसे तैयारी कर रहे हैं और किसे सफलता मिलेगी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, दुनिया में जो तीन तरह के लोग होते हैं, पहले वर्ग में इस तरह के लोग आते हैं जो सर्वदा डरते रहते हैं, हमेशा डरते रहते हैं। वो कुछ भी काम करते हैं तो डरते हैं कि अरे अगर ऐसा नहीं हुआ तो, अगर ये हो गया तो, अरे अगर वो हो गया तो, किसी ने मुझे रोक लिया तो, किसी ने मुझे टोक लिया तो, मैं जा रहा हूँ रास्ते में बारिश हो गई तो, भूकंप आ गया तो, शंकाओं से घिरे रहते हैं। ऐसे लोग किसी भी कार्य को करने में हिचकिचाते हैं, दे हैव हेजिटेशंस, अतः वे कोई भी काम शुरू ही नहीं करते। तो लेखक ने इस वर्ग के लोगों को बड़ा ही अधम वर्ग में गिना है, मतलब बहुत ही निम्न श्रेणी के लोगों में गिना है कि भाई आपने अभी काम शुरू ही नहीं किया, काम नया है, काम चैलेंजिंग हो सकता है, तो डरने की क्या बात है, बाकी लोगों ने किया है ना, आपने उन लोगों के बारे में सुना है, आपने उनके बारे में देखा है, अखबारों में उनके बारे में पढ़ा है, टेलीविज़न पर सुना है, आपके आस पड़ोस में, आपके परिवार में भी कोई बंदा हो सकता है जिसने उस काम को पहले किया हो। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको उनके अनुभव से सीखना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए। यहाँ पर शर्माने वाली, शर्मिंदगी की कोई बात नहीं है, और ये हमेशा डरते डरते रहने वाली क्या बात है भाई, डरना क्या।
काम है, चैलेंज है, तो उसे करके दिखाएंगे, है ना। तो लेखक ने ऐसे लोगों को अधम वर्ग में गिना है, अधम। अब ये बड़ा ही निम्नतम कोटि का शब्द है, मैं अभी और ज़्यादा अधम के बारे में नहीं कहना चाहता, ठीक है। तो दूसरे वर्ग में ऐसे लोग आते हैं जो किसी काम को शुरू तो करते हैं परंतु थोड़ा सा नुकसान देख करके घबरा जाते हैं और काम को बीच में ही छोड़ देते हैं। तो दूसरी कैटेगरी ऐसे लोगों की है जो काम को शुरू तो करते हैं लेकिन थोड़ा सा नफा नुकसान, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, कहीं पे थोड़ा सा लॉस हो गया, कोई प्रॉब्लम आ गई, तो बस वहाँ वो ठहर जाते हैं और कई बार काम को बीच में ही छोड़ देते हैं। ये जो काम को बीच में छोड़ने वाली बात है, ये बड़ी गंदी बात है। मैं इसके बड़ा खिलाफ़ हूँ कि या तो आप काम शुरू ही ना करो, और अगर शुरू करो तो उसे ज़रूर पूरा करना चाहिए। लेखक ने ऐसे लोगों को मध्यम वर्ग के लोग कहा है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं कि ये बहुत सारा काम शुरू करते हैं। सपोज करो कि ये 10 काम शुरू करेंगे और 5 काम पूरा करेंगे और 5 काम छोड़ देंगे। जिन काम में इन्हें शुरुआती दिनों में ही कुछ अगर इनकरेजमेंट मिले, कुछ प्राइज मिल जाए, कुछ प्रोत्साहन मिल जाए, तो उसमें ये आगे बढ़ते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं। लेकिन जिन कामों में इन्हें इनिशियल स्टेजेस में, शुरुआती दौर में ही अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई नुकसान हो जाए, तो ये बस इसको वहीं पर छोड़ देते हैं। तो सपोज करो कि आपने कोई काम करना शुरू किया, उसमें आप 30% तक आगे बढ़े, 40% तक आगे बढ़े, 50% तक आगे बढ़े, फिर आपने ड्रॉप आउट कर दिया। तो इस स्टेज तक पहुंचने में जो आपने मेहनत की, जो आपने खर्च किया, जो आपका लेबर लगा, जो आपका समय गया, वो तो बेकार हो गया ना। और ऐसे अगर 5 कामों में 6 कामों में आपने 30% 40% के बाद ही काम को छोड़ दिया है, तो अगर आप कैलकुलेट करके देखोगे तो आप समझ पाओगे कि आपने अपना कितना बड़ा नुकसान किया है। तो सबसे पहली बात कि अगर काम शुरू करते हैं तो उसके बारे में अच्छे से जांच परख करके तैयारी के साथ करना चाहिए, और काम शुरू किया है, सोच समझ करके शुरू किया है, तो उसे पूरा जरूर करना चाहिए। तो लेखक ने ऐसे लोगों को मध्यम वर्ग के लोग कहा है जो लोग काम शुरू तो करते हैं लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम की वजह से उसे बीच में ही छोड़ देते हैं, ड्रॉप आउट कर जाते हैं। किंतु कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनमें अपार आत्मविश्वास होता है, अपार इनफाइनाइट, है ना, अनलिमिटेड। आप कह नहीं सकते कि उनके अंदर में कितना सेल्फ कॉन्फिडेंस है, कितना भरोसा है उनका अपने ऊपर में। वो नेवर से डाई स्पिरिट वाले होते हैं। उनके लिए कभी भी कोई चीज इतनी मुश्किल नहीं होती जो उनसे नहीं हो सकती। वो लगातार कोशिश करते हैं, लोग कोशिश करते हैं और कोशिश करते ही रहते हैं, मेहनत करते ही रहते हैं जब तक वो काम हो नहीं जाता, क्योंकि वो सोचते हैं कि भाई जब दूसरे लोग कर सकते हैं तो मैं भी तो कर सकता हूँ। और इससे भी बड़ा चैलेंज ये है कि जो दूसरे नहीं कर सकते वो मैं करके दिखाऊंगा। तो सपोज करो आप कि ये जो थर्ड कैटेगरी के लोग हैं, जो कि बड़े रेयर होते हैं, कम होते हैं, 10 में से या 100 में से कहूँ तो 10% होते हैं, 5% होते हैं, इनके अंदर क्या खास बात ही होती है, दे हैव अनलिमिटेड सेल्फ कॉन्फिडेंस। उनका अपने ऊपर में अपार आत्मविश्वास होता है। ऐसे लोग किसी भी काम को पूरे उत्साह के साथ शुरू करते हैं, पूरे इंथुजियाज्म के साथ शुरू करते हैं, और चाहे कितनी ही रुकावट आ जाए, कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए, कितना नुकसान हो जाए, वो कार्य को बीच में नहीं छोड़ते, अपितु उसे हर हालत में पूरा करके ही दम लेते हैं। ऐसे लोगों को उत्तम वर्ग में गिना जाता है, उत्तम वर्ग, है ना। इसे मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, मैं इसमें स्टार लगा रहा हूँ, उत्तम वर्ग, ठीक है ना। तो लेखक ने क्या बताया कि 3 कैटेगरी के लोग होते हैं दुनिया में। अधम वर्ग, जो जिनके अंदर में बहुत सारा शक, बहुत सारा सुबह, बहुत सारा डाउट भरा होता है कि क्या पता ये काम होगा कि नहीं, क्या पता मुझे सफलता मिलेगी कि नहीं, मैं करूँ ना करूँ, अरे छोड़ो, जाने दो, रहने दो, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। और दूसरे लोग वो हो गए जो मध्यम वर्ग के कहलाते हैं,
जो काम शुरू तो करते हैं लेकिन अगर शुरुआती दिनों में उन्हें प्रोत्साहन ना मिले, इनकरेजमेंट ना मिले, कुछ उस तरह का प्राइज ना मिले, उन्हें अपनी प्रोग्रेस नहीं दिखती है, तो वो काम को बीच में छोड़ देते हैं। तो ये मीडियोकर लोग होते हैं। अगर ये 10 काम जिंदगी में शुरू करते हैं तो 10 में से ये 4-5 काम तो बस बीच में ही छोड़ देते हैं और वो समय की, पैसे की बर्बादी करते हैं, है ना। और तीसरी कैटेगरी बताई लेखक ने, उत्तम वर्ग के लोगों की, ऐसे लोग जिनके अंदर में अनलिमिटेड सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, ऐसे लोग काम को पूरे उत्साह के साथ करते हैं और वो कभी भी डरते नहीं, कभी भी घबराते नहीं, उन्होंने जो ठान लिया वो ठान लिया, वो उसे पूरा करके ही छोड़ेंगे। ऐसे लोगों को उत्तम वर्ग में गिना जाता है। तो एक मोटी सी बात है, आप जरा सोच करके देखो कि इन तीनों लोगों में जो खास बात है, जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है। वो ये है कि पहली कैटेगरी अधम वर्ग के लोगों के अंदर में सेल्फ कॉन्फिडेंस ना के बराबर है, अपने ऊपर भरोसा ही नहीं। मध्यम वर्ग के लोग, उनके अंदर में विश्वास होता तो है, आत्मविश्वास तो होता है, लेकिन वो हिलता डुलता सा होता है, वो प्रभावित होता है इनकरेजमेंट से, शुरुआती दौर के प्रॉब्लम से, अचीवमेंट से। और जो उत्तम वर्ग के लोग होते हैं, इनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, ये हिलता डुलता नहीं, ये मजबूत बना रहता है, ये इन्हें थामे रहता है, और जब तक वो काम को पूरा नहीं कर लेते तब तक उनके साथ में सपोर्ट, बहुत बड़े सपोर्ट की तरह से लगा रहता है। अब विश्व में ऐसे अनेक व्यक्तियों के उदाहरण हमारे सामने में हैं जिन्होंने अपने आत्मविश्वास के सहारे सफलता प्राप्त की। तो अभी अभी अब हम लोग कुछ ऐसे लोगों की बातें भी करेंगे, कुछ ऐसी चर्चा भी करेंगे जिन्होंने इस तरह की सफलता प्राप्त की होगी। अब जरा सा मैं बीच में एक नाम ऐसे ही ले लेता हूँ, हो सकता है इसमें आगे भी कहीं लिखा हो। आप लोगों ने थॉमस अल्वा एडिसन का नाम सुना होगा, जिनके नाम पर बहुत सारा इन्वेंशन करने का रिकॉर्ड दर्ज है, बहुत सारा पेटेंट का रिकॉर्ड दर्ज है। कभी मैं उनकी जीवनी के बारे में भी कुछ पन्ने पढ़ करके सुनाऊंगा। उनकी जीवनी बड़ी ही इंस्पायरिंग है, बच्चों को बहुत ही प्रभावित कर सकती है आगे बढ़ने के लिए, हिम्मत नहीं हारने के लिए। तो एक छोटी सी बात उनके बारे में कही जाती है कि एक बार वो इस काम में लगे हुए थे कि वो बल्ब का आविष्कार करना चाहते थे। वही बल्ब, आजकल तो हम सब लोग अपने घरों में एलईडी बल्ब लगा जलाते हैं ना, लेकिन अभी से कुछ साल पहले या अभी भी कई घरों में आपको साधारण से बल्ब नज़र आएंगे जिसके अंदर में फिलामेंट लगा होता है। तो थॉमस अल्वा एडिसन जब बल्ब की खोज कर रहे थे तो वो ये तो समझ चुके थे कि हाँ, बिजली को इस तरीके से इस्तेमाल करने पर वो रोशनी देगा हमें, लेकिन ये बल्ब घंटों तक कैसे जलता रहे, है ना, कई दिनों तक कैसे जलता रहे, तो वो उस फिलामेंट की खोज नहीं कर पा रहे थे जो फिलामेंट इसमें सक्सेसफुली इस्तेमाल हो सके। अब एक छोटी सी बात आप जानते होंगे कि भाई कोई भी चीज़ जलेगी तो जल करके खाक हो जाएगी, और जलने के लिए उसके पास में वहाँ पर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। तो कहते हैं कि थॉमस अल्वा एडिसन में ने शायद सैकड़ों चीज़ या हजारों चीज़ों के फिलामेंट बना करके इस्तेमाल किए, तो हजारों बार वो फेल हुए होंगे और शायद एक बार कभी उन्होंने वो सफलता हासिल की और उसके बाद से उन्होंने आखिर में फिलामेंट वाला बल्ब बना लिया। तो ऐसी बात होती है। तो अगर इस बीच में अगर वो 500वीं कोशिश में, 200वीं कोशिश में ही हिम्मत हार जाते तो ये बल्ब तो नहीं बन पाता ना। ये एक छोटा सा मैंने उदाहरण आपके सामने में दिया। तो अब हम आगे पढ़ते हैं, ऐसे अनेक व्यक्तियों के उदाहरण हमारे सामने में हैं जिन्होंने अपने आत्मविश्वास के सहारे सफलता प्राप्त की। यह पितृभक्त श्रवण का ही आत्मविश्वास था कि जो अपने अंधे माता पिता को बहंगी में लेकर के बिठा करके उसे कंधे पर उठा करके तीर्थों की यात्रा करवाने के काम को कर सका। तो एक एग्जाम्पल लेखक ने यहाँ पर श्रवण के बारे में दिया है। आखिर ये बहुत बड़ा काम है ना। अच्छा, एक एग्जाम्पल यहाँ पे एकलव्य का है। एकलव्य का नाम आपने सुना होगा। एकलव्य का आत्मविश्वास ही था जिसने गुरु गुरु द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसे ही गुरु मानकर विद्या में कुशलता प्राप्त की। कहने का मतलब है कि एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य के सामने में खड़े होकर के फिजिकली उनसे कोई लेसन नहीं लिया, या गुरु द्रोणाचार्य जी ने उनसे
हाथ में तीर धनुष दे करके, उसे बोल करके, उसे प्रैक्टिकल करवा करके, समझा करके, ऐसी कोई ट्रेनिंग नहीं दी। लेकिन उसने, एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य को अपना इंस्पिरेशन स्रोत मान लिया, प्रेरणा स्रोत मान लिया, और ये निष्ठा, ये आत्मविश्वास कि उसने उनकी मूर्ति बना करके उससे ही सीख सीख करके इतनी सारी बातें धनुर्विद्या में, तीर चलाने में सीख ली। अब आगे एक और एग्जाम्पल है, श्री राम भगवान हनुमान की शक्ति से परिचित थे और भगवान हनुमान स्वयं भी आत्मविश्वास की मूर्ति थे, अतः पहाड़ को उठाकर लाने का दुष्कर कार्य कर सके, है ना? वो जो संजीवनी बूटी वाली पहाड़ उठाने की बात है। आगे नाम आता है गुरु नानक, महात्मा बुद्ध, महात्मा गांधी आदि महापुरुषों ने अपने आत्मविश्वास के बल पर गुमराह जनता को, गुमराह जनता मतलब वो जनता जो गलत दिशा में जा रही है, गलत डायरेक्शन में जा रही है, गलत बातें सोच रही हैं, को सच्ची राह दिखाई और उनके उपदेश आज भी सारी मानव जाति का मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो ये एडिसन का ही आत्मविश्वास था जिसने अनेक बार असफल होने पर भी बल्ब का आविष्कार कर दुनिया को जगमग कर दिया। तो बच्चों आखिर वो एग्जाम्पल आ गया ना इसमें जिसके बारे में मैंने चर्चा की थी। एडिसन की कहानी, थॉमस अल्वा एडिसन की कहानी बहुत ही प्रेरित करने वाली कहानी है और मैं जल्दी ही एक छोटा सा वीडियो लेक्चर इसके बारे में अपलोड करूँगा। अब आगे लेखक ने एक और एग्जाम्पल दिया है लुई ब्रेल के बारे में। ब्रेल लिपि का नाम आपने सुना होगा, ये लिपि अंधे लोगों के लिए होती है जिसकी वजह से वो कहीं पर भी चीज़ें पढ़ सकते हैं अगर उन चीज़ों पर ब्रेल लिपि में अक्षर लिखे हुए हों। ब्रेल लिपि के अक्षर जो होते हैं ना, ये थोड़े उभड़े हुए होते हैं, इसे आप हाथों से छू करके महसूस कर सकते हो। इसका अगर उदाहरण आपको जानना हो तो थोड़ा सा आप ये समझो ना कि आजकल जो सिक्के होते हैं 10 रुपीज़ के, 5 रुपीज़ के, 2 रुपीज़ के, 1 रुपीज़ के, इसमें भी जो मार्किंग होती है 10, 5, 2, 1, ये उभरी हुई सी होती है। तो लुई ब्रेल ने अनेक प्रयत्नों के बाद एक ऐसी लिपि, ब्रेल लिपि का आविष्कार किया जिसे अंधे व्यक्ति भी पढ़ने में सक्षम हो सके। निर्धन परिवार और अभावों से ग्रस्त लाल बहादुर शास्त्री का आत्मविश्वास ही उन्हें प्रधानमंत्री के सर्वोच्च पद तक ले गया। लाल बहादुर शास्त्री के बारे में बचपन की एक बात कही जाती है, मेरे ख्याल से ये बात सही होनी चाहिए, कि उनके स्कूल जाने के रास्ते में एक नदी हुआ करती थी और कई बार बारिश के दिनों में उस नदी में बाढ़ आ जाया करती थी या उसका पुल डूब जाया करता था। तो ऐसे में जब लाल बहादुर शास्त्री को अपने स्कूल जाना होता था तो वो अपनी किताबों को किसी भी तरीके से अपनी पीठ या अपने सिर पर रख लेते थे और तैर करके या पानी में भीगते हुए ही नदी पार करके स्कूल जाया करते थे। तो सोचो कितनी लगन थी लाल बहादुर शास्त्री जी के अंदर में, और उनकी यही निष्ठा और यही मेहनत करने की लगन, यही आत्मविश्वास ही उन्हें प्रधानमंत्री के सर्वोच्च पद तक ले गया। हमारे देश के महान नेताओं जैसे जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाला लाजपत राय, भगत सिंह आदि ने अनेक शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट सहे, किंतु यह उनका आत्मविश्वास ही था जिसके बल पर वे देश को आज़ादी दिलाने में कामयाब रहे। अगर आपका आत्मविश्वास हिला तो आपका लक्ष्य दूर हो जाता है, आप अपनी तैयारी में कमजोर हो जाते हैं। अब इसमें एक एग्जाम्पल है प्रसिद्ध नृत्यांगना सुधा चंद्रन के बारे में। सुधा चंद्रन, उनकी आपने हो सकता है कुछ फिल्में देखी हों, स्टार प्लस पर कई सारे सीरियल्स में भी आपने उन्हें देखा होगा, कि इनका एक पैर जो है वो कटा हुआ था। इनका एक पैर लकड़ी का होने का बावजूद उसने नृत्य अभ्यास के समय अनेक शारीरिक कष्ट सहे, किंतु उसने आत्मविश्वास नहीं छोड़ा और नृत्यांगना के रूप में प्रवीणता प्राप्त की। इनकी ज़िंदगी पर जो एक फिल्म बनी है उसका नाम है नाचे मयूरी, आप चाहो तो उसे भी ढूंढ करके देख सकते हो। इसमें यही कहानी है कि किस तरीके से सुधा चंद्रन नाम की एक लड़की का एक्सीडेंट हो गया या किसी वजह से उसका पैर काट दिया जाता है, और इसके बावजूद भी उसके अंदर में डांस करने की, डांस सीखने की इच्छा है, और वो अपने आत्मविश्वास से, कड़ी मेहनत से, कड़ी लगन से इस काम में सक्सेस हासिल करती है ना? तो आज भी
सुधा चंद्रन फिल्मों और दूरदर्शन में काम कर रही हैं। इसी तरह से संगीत के क्षेत्र में लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, फिल्मों में अमिताभ बच्चन, क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर, शतरंज में विश्वनाथन आनंद, शूटिंग में अभिनव बिंद्रा आदि ने अपने अपने क्षेत्र में आत्मविश्वास के बल पर ही दुनिया में नाम कमाया है। तो स्टूडेंट्स, आत्मविश्वास का एक मतलब यहाँ पर यह भी है कि हो सकता है कि पहली प्रतियोगिता में, लाइफ के पहले कंपटीशन में, पहले एग्जाम में आपको वो सक्सेस ना मिले जो आप सोच रहे हो। सॉरी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हार मान लेना है, आपको रुक जाना है। आत्मविश्वास का मतलब यही है कि आपको अपने टैलेंट पर भरोसा होना चाहिए, आपकी तैयारी पर भरोसा होना चाहिए, आपको अपने व्यक्तित्व पर भरोसा होना चाहिए, और ये कि आप एक बार उस चीज को करके ही छोड़ेंगे। तो इसी तरह से दुनिया में ऐसे अनेक वैज्ञानिक, डॉक्टर, नेता, अभिनेता, कलाकार आदि हुए हैं जिन्होंने आत्मविश्वास का दामन पकड़ करके ऊंचे शिखरों को छुआ है। तो यहाँ पर आखिर में अब हम लोग इस चैप्टर को समअप करेंगे। तो समअप करते समय में मैं ये बात कहना चाहूंगा कि विकट से विकट परिस्थिति में भी सकारात्मक सोचें। सकारात्मक सोच पॉजिटिव एटीट्यूड है ना, पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए। क्या कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं ये काम करूँगा, मैं ये काम जरूर कर लूँगा, है ना, मैं यह काम कर सकता हूँ, मैं जीत जाऊँगा, मेरे लिए यह काम तो बहुत सरल है, मुझे यह कार्य हर हाल में करना है, मैं सफल हो जाऊँगा, मैं लक्ष्य पा जाऊंगा आदि। आपको हमेशा ऐसे ही सोचना चाहिए। एक और बात का ध्यान रखना है कि आत्मविश्वास का सबसे बड़ा दुश्मन है डर। जैसे जैसे आपके अंदर में डर बढ़ता जाएगा, आपका आत्मविश्वास कम होता जाएगा। तो अगर एक तराजू की बात करें और उसमें आत्मविश्वास को रखें और डर की बात करें, तो आत्मविश्वास का पलड़ा भारी होना चाहिए। डर आपके लिए सफलता का दुश्मन है, डर सफर का दुश्मन है, डर आपको आगे बढ़ने से रोकता है, डरना आपके व्यक्तित्व को कमजोर बनाता है। अपने मन में डर और शंका को ना पनपने दें। जब आपने सोच लिया कि ये काम करना है तो करना है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, कोई बात नहीं, लेकिन आखिरी जीत निश्चय ही आपकी होगी। अतः अपने विश्वास को जगाएं और सफलता आपके कदम चूमेगी। तो यही बात है कि आपके अंदर में डर नहीं होना चाहिए, आपके अंदर में शंका नहीं होना चाहिए, आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए, आपको अपनी शक्तियों पर, अपने टैलेंट पर बिल्कुल ही अच्छे से भरोसा होना चाहिए। और हमेशा जब भी आप आईने में अपने आप को देखें हर सुबह में, तो यही सोचना चाहिए, ये पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं जीत जाऊँगा, मेरे लिए ये काम बहुत सरल है, मुझे ये काम हर हाल में करना ही है, मैं हर रोज एक कदम, दो कदम, 100 कदम आगे ही बढ़ रहा हूँ, मैं पीछे नहीं जा रहा हूँ, और एक दिन मैं अपना लक्ष्य जरूर पा जाऊँगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आज मैंने आपका ये चैप्टर, चैप्टर नंबर 22 डिस्कस करने की कोशिश की, जिसका नाम था आत्मविश्वास। तो ये बड़ा ही इंस्पायरिंग और बहुत ही मोटिवेट करने वाला चैप्टर है। यहाँ हम लोग कुछ शब्दार्थ देख रहे हैं इस चैप्टर में, जैसे कि तमाम। तमाम का मतलब होता है सारी, सारा, समस्त, है ना। निष्ठा, निष्ठा का मतलब है पक्का इरादा, डेडिकेशन, सर्वदा, ऑलवेज, हमेशा। अधम, मैंने बताया था ना, सबसे निचले दर्जे का आदमी, और मध्यम, मीडियोकर, बीच का आदमी, और उत्तम, बेस्ट, सबसे बढ़िया आदमी। यहाँ पर एक बहंगी नाम का शब्द है, बहंगी का मतलब होता है कांवर, गुमराह, रास्ता भटके हुए लोग, आविष्कार, खोज करना, इन्वेंशन करना, नई चीज बनाना, सक्षम होना, समर्थ होना, सर्वोच्च, सबसे ऊंचा, प्रवीणता, कुशलता। कई बार बच्चे सोचते होंगे कि भाई जब मैं चैप्टर डिस्कस करता हूँ तो साथ में मैं शब्दार्थ सेक्शन जरूर मेंशन करता हूँ। तो इसके पीछे में एक बात ये है कि अगर आप लिटरेचर पढ़ते हो, हिंदी या इंग्लिश पढ़ते हो, तो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट
है कि आपकी वोकैबलरी स्ट्रांग होनी चाहिए, आपके पास में वर्ड पावर अच्छा होना चाहिए। अगर आप वर्ड्स को अच्छे से समझेंगे नहीं तो आप उसका प्रॉपरली इस्तेमाल कैसे कर पाएंगे अपनी लैंग्वेज में, बोलने में, लिखने में, विचारों को व्यक्त करने में, ठीक है ना? तो बच्चों इसके साथ ही मैं यहाँ पर ये लेक्चर सेशन फिनिश करता हूँ। एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि यहाँ पर मैंने ऊपर में लिख रखा है न्यू एज कोचिंग, तो ये मेरा यूट्यूब चैनल है। आने वाले समय में मैं समय समय पर आपके लिए इसी तरह के मोटिवेशनल और सब्जेक्ट्स के, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सोशल स्टडीज, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर्स के भी लेक्चर्स डालता रहूँगा। मुझे थोड़ा सा समय निकालना होता है तो कभी कभी वीकेंड में मेरे पास में टाइम होता है, सैटरडे संडे या छुट्टियों के दिन। तो मैं सारे बच्चों की मदद करना चाहता हूँ, अच्छे से पढ़ाना चाहता हूँ। तो जल्दी मिलते हैं हम लोग एक नए लेक्चर सेशन में। आप सब लोग अपने अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी करो। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।